वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर अकेडमी। माई नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेयर मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज फॉर क्लास नाइन्थ। बिफोर दैट, नाइन्थ क्लास का हमने लास्ट कौन सा चैप्टर कम्प्लीट किया है? दैट इज द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, और वो है हमारा सिक्स चैप्टर। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज द सेवंथ चैप्टर and the name is triangles। so triangles chapter जो है ये tenth का भी चल रहा है topic, उसका मैंने थोड़ा सा introduction का start कर दिया है। आज ninth का हम triangles, same chapter है, तो इसके लिए confuse मत होना। जो भी बच्चे मेरे को follow कर रहे हैं, हर video को end में देखना, ध्यान बाद में देखना भी मैंने कौन सी class के लिए वो post की हुई है। इफ इट इज फॉर क्लास टेंथ, तो वो वाले टेंथ क्लास के बच्चे उसको फॉलो करें, क्या होता है गलती से कहेंगे नाइन्थ वाले बच्चे टेंथ वाली ना फॉलो कर लें तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। टेंथ वाले मैं क्यों ये स्टार्ट कर रहा हूँ इकट्ठी, दोनों ट्रायंगल चैप्टर इकट्ठे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? बिकॉज बोथ द चैप्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। टेंथ का चैप्टर जो है वो नाइन्थ के चैप्टर के साथ रिलेट कर रहा है, तो मैं साथ में ये भी बताता रहूँगा टेंथ में नाइन्थ वाले चैप्टर का आगे टेंथ में क्या बनना है, तो ये एक तरह से कनेक्टेड है दूसरे के साथ, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द ट्रायंगल्स, ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड से इंट्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, बेसिक चीज़ें करेंगे। मेन जो चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी वो हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, आपको ईजिली वैसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने टेंथ क्लास के, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं समझ में आया होगा, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वो ध्यान से देखना, आपको फिर इजी हो जाएगा टेंथ चैप्टर में जो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू एंड स्टार्ट द चैप्टर इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली सबको पता होता है, पर फिर भी एक वर्ड से उसका मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं वो चीज हम देखते हैं। ट्राई का मीनिंग थ्री, एंगल्स का मीनिंग जो हमारे होते हैं एंगल्स, है ना, थ्री एंगल्स वाली फिगर को ट्राई एंगल बोलते हैं। ऐसे ही जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड मीन्स फोर एंड लेटरल, दैट इज मीन्स लाइन्स दैट वी हैव, थ्री साइडेड फोर साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल्स में जाके आप ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम। तो आज हम करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। हमारे जो ट्रायंगल्स हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एनी थ्री साइडेड और थ्री एंगल्ड पॉलीगन इज नोन एज ट्रायंगल। पॉलीगन एक कॉमन नेम है सभी तरह के साइड वाली फिगर के लिए, ठीक है। थ्री से स्टार्ट होती हैं, टू साइड की कोई फिगर नहीं होती, टू साइड का एंगल होता है। तो थ्री साइड से स्टार्ट होती हैं, थ्री साइड की फोर साइड की फिगर का अलग पॉलीगन, फोर साइडेड भी पॉलीगन है उसका नेम क्वाड्रिलेटरल है। फिर फाइव साइडेड फिगर जो होती है उस वो भी एक तरह का पॉलीगन है, उसको हम पेंटागन बोलते हैं। मतलब सभी को रला मिला के जब हमारी बात करते हैं, सारे के सारे क्या है, इंसान है। इंसान की आगे टाइप्स बताई उन्होंने, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये है वो, तो आगे इनके नेम्स अलग अलग हैं, तो सभी इंसान। उसी तरह से पॉलीगन्स जो हैं वो सभी पॉलीगन्स ही होते हैं, सभी थ्री साइडेड फिगर हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन, एट, नाइन, टेन, जितने मर्जी हो, होते वो सभी के सभी पॉलीगन्स हैं। हमने उनके कुछ नेम्स दिए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। सो थ्री साइडेड पॉलीगन जो होता है या थ्री एंगल्ड पॉलीगन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशंस की हो सकती है। उसके बाद ट्रायंगल जो है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, साइड्स के बेसिस पे बात करें, एक होते हैं हमारे पास इक्वी लेटरल। लेटरल अगेन मीन्स इक्वी, इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन साइड्स। इक्वल साइड्स वाले जो होते हैं, सारी के सारी साइड्स इक्वल हो जिसमें, वो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी लेटरल ट्रायंगल। ये सिंपल जो मैं डालता हूँ ना, ऐसे तीन लाइन्स मैंने डाली, एक एक लाइन डाली तीनों के ऊपर,
इसका पता चलता है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। दो 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 लाइन डालूंगा तो तीनों दो दो लाइन डालूंगा, इसका मतलब यही है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट होती है, और लास्ट हमारे होते हैं स्केलीन ट्राइंगल्स जिसमें तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, और एंगल्स के बेसिस पे, ठीक है, आपने जब नोट करना है, नोट्स बनाने हैं तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये बोर्ड ही है। आपने बनाना है ट्राइंगल्स ऑन द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ओके, एंगल्स के बेसिस पे भी होते हैं, एक होता है हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसमें क्या होता है एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी दो जो मर्जी हूं, ये राइट एंगल का सिंबल है। उस आगे आता है एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल में क्या होता है एक एंगल हमारा बिलो 90 डिग्री होता है, ठीक है, बाकी के दो अबव हो सकते हैं। ओके, तो आप देख लेना किसी भी तरीके से बन जाता है। थर्ड होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है एक एंगल हमारा जो है वो बहुत बड़ा होता है, बाकी दो छोटे होते हैं, ये दोनों छोटे हैं, ये सबसे बड़ा है, मोर देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री दोनों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। तो इंट्रोडक्शन ट्राइंगल्स की यहीं तक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मेन टॉपिक इस ट्राइंगल चैप्टर के रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन विल बी ऑन द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सो हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस हियर, सो इट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज बिल्कुल सेम टू सेम। ट्राइंगल्स को अगर हम नहीं देखना चाहते, अगर किसी और फिगर्स को देखते हैं तो क्या देखते हैं, हमारे पास अगर दो सिक्के पड़े हैं, एक एक रुपए का सिक्का यहाँ पड़ा है, एक दूसरे दूसरे तरफ कहीं पे पड़ा है, हम देखते ही क्या कहेंगे, यार ये बिल्कुल सेम टू सेम सिक्के हैं, है ना। क्या सेम टू सेम क्या है इनमें, इनका जो सर्कुलर रीजन है वो जितने रेडियस से बना हुआ है उसका ही सेम रेडियस से दूसरा सर्कल भी बना होता है, तो ये सर्कल्स जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हुए, सेम रेडियस के दो सर्कल्स अगर बने हों, ठीक है। अगर 1 रुपी कॉइन का अगर हम नहीं बात करते, चलो जस्ट सर्कल्स की बात करते हैं, सेम रेडियस वाले जो गोलाई आ रही है दो सर्कल्स हम बना देते हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। इसी तरह से एक स्क्वायर है जिसकी 1 सेंटीमीटर वाली साइड है, एक और बनाया हमने वो भी स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और एक और देखो, एक बनाया हमने रॉम्बस, इसकी भी 111 साइड है, तो क्या ये भी और ये तीनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हुई। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, दिखने में भी सेम, दिखने में सेम नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि ये इनके एंगल जो होते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स रॉम्बस के एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बस। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या है, जो फिगर बिल्कुल एक दूसरे के जैसी, बिल्कुल एक जैसी हैं, जरूरी नहीं है वो कैसे पड़ी हुई हैं। ये देखो, अब ट्रायंगल्स की बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं। देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स आप कहेंगे दिखने में सेम है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा इसको, अगर हम इसकी कटिंग पेपर के ऊपर कटिंग निकाल के और इसकी इसके ऊपर रख के देखते हैं तो हमें पता चलेगा ये अगर पूरा ओवरलैप कर रहा है इसको एग्जैक्ट, तो दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। पर क्या हर बार हम ऐसे करेंगे, कितने की कटिंग्स करते रहेंगे पेपर में, क्या कटिंग करके चेक करके देखेंगे क्या, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कहीं पर कई बार फिगर्स ऐसी होती हैं कि उनके ट्राइंगल्स जो होते हैं वो कटआउट नहीं किए जा सकते, जैसे अगर ऐसे बने हूँ, मैं दूसरे कलर से बना कर दिखाता हूँ, एक ट्राइंगल ये है और सेम यही वाला बेस लिया और एक दूसरा ट्रायंगल ऐसे बन गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो कटआउट भी ना किए जा सकते,
ये तो एक दूसरे को पहले ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो कटिंग करना पॉसिबल नहीं है, और कट करके चेक करना भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर बार कटिंग करके तो चेक नहीं कर सकते ना कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोलने में जब हम वोकैबुलरी या सेंटेंस में लिखते हैं तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। अगर चेक ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, तो नेम अगर हम अलग अलग ले रहे हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, बात हम वही कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड आउट सो ट्राइंगल्स की बात करें अगर, बट वट इज मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। ऐसे मैंने एक ट्राइंगल सपोज करो बना लिया ए बी सी, इसकी ये साइड 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, ये सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी ये साइड 2.5 सेंटीमीटर है, ये साइड 2.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू आर। हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे चेक करेंगे? साफ पता चल रहा है इसकी दो साइड्स ये वाली और इसकी दो साइड्स ये वाली 2.5 है, और ये वाली इसकी साइड बेस, और यहाँ पे इसका बेस चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था ये ट्रायंगल ऐसे पड़ा हुआ है और ये अगर हम बात करें ये ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब इसका बेस पहले ऐसे था ना। देखो मेरा जो ये है इसके अकॉर्डिंगली देखो, ये बेस इसका यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर वाला, अब 2 सेंटीमीटर वाला बेस खिसक के यहाँ पे पहुंच गया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे पड़ा ये नहीं दिखता, ये कोई मायने रखता। देखना ये है कि हमें जो चाहिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या वो है, हमें यहाँ पे 3 साइड दी हुई है। ठीक है, हमें साफ पता चल रहा है जो ए बी साइड है वो इक्वल है पी क्यू के, लिख लो चलो बी सी सॉरी ए सी साइड है दैट इज इक्वल टू क्यू आर, और बी सी साइड दैट इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, हमेशा दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई ना कोई 3 चीजें जो होंगी वो हम यूज करेंगे किसी तरीके से, कोई भी 3 चीजें हम इक्वल बताएंगे तो वो उनका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ट्राइंगल में टोटल कितनी चीजें होती हैं, 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, टोटल 6 चीजें हुई। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो तो इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2.5 वाली साइड्स के बीच वाला एंगल ये वाला, और यहाँ पे 2.5 साइड्स के बीच वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ऐसे ही 2.5 एंड 2 सेंटीमीटर के बीच वाला ये एंगल लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 2.5 दो साइड्स हैं हमारे पास, अगर ये ऐसे होती कि ये 3.5 होती और ये वाली हमारे पास 3.5 होती, तो हमने कैसे देखना था 2.5 और 3.5 के बीच वाला एंगल ए और क्यू हमने इक्वल ऑलरेडी दिख दिया है। अब देखना है हमें ये वाले एंगल के इक्वल दूसरी एंगल में कौन सा एंगल मिलेगा, 2.5 और 2 सेंटीमीटर वाले साइड के बीच वाला, 2.5 और 2 सेंटीमीटर साइड के बीच वाला ये एंगल, सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल पी। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के बीच ये एंगल है और ये वाला एंगल यहाँ पे बचा 3 आर, तो यहाँ पे सी एंगल जो है वो आर के। तो ऑल इन ऑल हमें पता चल गया कि एक ट्रायंगल में प्रूव करने के लिए चेक करने के लिए हमारे पास टोटल कितनी चीजें होंगी, ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के।
और ट्रायंगल के बाद ऐसे लिख दिया ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या है, हमारे पास टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं, 6 में से हमेशा कोई 3 यूज हुआ करेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने कोई भी 3 यूज करके बोल देना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, कोई पर्टिकुलर रूल्स हैं तभी हम कह सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा अगर कुछ और बनता है तो वो हम नहीं यूज कर सकते। वो रूल्स क्या हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी 3 हम इस, मैं बता रहा हूँ, कोई भी 3 हम इसमें से यूज करेंगे। मान लेते हैं हमने इन 3 को यूज करके बोल दिया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाकी जो बचे वो क्या है, दीज आर सीपीसीटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीसीटी, ये तो हमने यूज कर लिए प्रूव करने के लिए, 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए साइड्स यूज कर ली, बचे क्या, उनके एंगल्स। उनके एंगल्स हमें आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर प्रूफ में पूछा होता है। तो ये जो है सभी बाकी जो बचे जो हमने प्रूफ में ये नहीं यूज किए, प्रूफ करने के लिए नहीं यूज किए, जो बाकी बचे होते हैं हमने अपने यूज के अकॉर्डिंगली यूज लिखना होता है क्वेश्चन में, वो क्या होते हैं, सीपीसीटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीसीटी, हमने रीजन में सीपीसीटी लिखना होगा जब हम सॉल्व करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, कोरेस्पॉन्ड करते हुए। जैसे मैंने बताया था 10th क्लास की वीडियो में, कोरेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वहां पे किया था ना पैरेलल लाइंस में, तो जरूरी नहीं है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब यही है, जहां पे पैरेलल लाइंस होंगी और ये वाला एंगल होगा तो उसी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मैंने ऑलरेडी बताया था जब मैं पैरेलल लाइंस के बारे में बता रहा था, तो टेढ़ी लाइन भी अगर है तो ये भी कॉरेस्पॉन्ड ही कर रहे हैं एंगल्स, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग ही है। आप यहां से जा रहे हैं, आपने राइट कॉर्नर टॉप में देखा तो आपको एक कोई कॉर्नर उसका नजर आया, इसी तरह से यहाँ पे भी आप आगे गए तो सही वही सेम कॉर्नर, राइट टॉप कॉर्नर आगे जाके भी नजर आया, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हुए एंगल्स। इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं वो पैरेलल लाइंस में आपको बाद में मैंने बताया था। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है, बाकी ये जो पार्ट्स हमने ट्रायंगल के ऑलरेडी यूज कर लिए, ये बाकी पार्ट्स जो बचे हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आफ्टर प्रूविंग द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे उसके बाद होता है हमारा बाकी बचे जो पार्ट्स उसके बचे होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी हम इक्वल लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली ए को ए क्यू के साथ इक्वल लिख सकते हैं, ए को किसी और के साथ इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों, देखो ए कहाँ पे है, 2.5 और 3.5 वाली साइड्स के बीच में, यहाँ पे भी क्यू इनके बीच में है, तो इनको ही इक्वल लिख सकते हैं, इसको किसी और एंगल के इक्वल नहीं लिख सकते, ये भी ध्यान रखना है हमें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इजिली समझ आता जाएगा। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा एक तरह से मैंने बताया है कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका एक सिंबल भी होता है। वैसे ये 2 ट्रायंगल्स हमने अगर ये वाली चीजें यूज करके हमने कॉन्ग्रुएंट लिख दिए तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो एबीसी जो लिखा हमने एबीसी, तो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.5 वाली साइड, उसके बाद 2 सेंटीमीटर वाली साइड, उसके बाद सी लिखा हमने, तो इसमें भी ऐसे देखना है पी क्यू ऐसे और 2 सेंटीमीटर वाली साइड की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर साइड उधर है तो क्यू पी आर लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो लिख सकते हो पी क्यू आर भी, बट फॉर कह रहे हैं कि जैसे इसको लिखा हमने ए बी सी वैसे उसको क्यू पी आर साइड्स के अकॉर्डिंगली 2.5 के बाद 2.2 वाली, 2.5 के बाद 2 वाली क्यू पी आर ऐसे लिखना, ओके। तो ये जो ट्रायंगल्स ये सिंबल जो है इसको कहते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू के ऊपर टिल्ट साइन, इसको बोलते हैं सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्राइटेरिया That we are going to use. Different different criterias होंगे, हर एक exercise के पहले कुछ criterias होंगे, तो वही वाले criterias हम करेंगे जो उस exercise में हमने use करने हैं, ठीक है। Step by step करेंगे, सारे criterias एक बार नहीं करने, step by step करेंगे, उसके related questions करेंगे तो हमें वो criteria कैसे use करना है हमें easily समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से note कीजिए। So ये है हमारा criteria of congruence of triangles का first
रूल, एक तरह से हमने जो कहते हैं रूल हम यूज करेंगे इन द ट्राइंगल्स चैप्टर में, किसी भी तरह की एग्जाम्पल या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो हम इस रूल को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। पहले तो इसका मीनिंग पता करते हैं सारे का क्या है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने बताया था दो ट्राइंगल्स एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। कब? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स सेम टू सेम होंगे कब? इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ? दो साइड्स का तो पता चल गया हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूडेड एंगल हियर? तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। हमारे पास सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। हमें बताया गया है ऑलरेडी इसकी ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 सेंटीमीटर है, इसकी ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है। ओके, और ये एंगल बताया गया है हमें 50 डिग्री और ये भी बताया गया है 50 डिग्री। ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब दो साइड्स इस ट्राइंगल की, ये दोनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की, ये दोनों साइड्स के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एंड इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ? उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल, जो दो साइड्स से एंगल बन रहा है। ओके, अगर ये दो साइड्स ना होके ये दो साइड्स हमें दी होती तो ये इंक्लूडेड एंगल होता, ये दो साइड्स दी होती तो ये इंक्लूडेड एंगल होता है। मतलब के इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या? जो दो साइड्स की हम बात कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूड मतलब ये दोनों साइड्स जो एंगल अपने अंदर इंक्लूड कर रही हैं वो एंगल होता है इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, सो दिस इज द इंक्लूडेड एंगल हियर एंड ये दोनों साइड्स के बीच में ये दोनों ये वाला इंक्लूडेड एंगल है। ओके, देखो ए बी साइड बी क्यू के बराबर है, क्यू बी सी साइड क्यू आर के बराबर है, तीसरा हमारा एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। सो ये रूल कौन सा बन गया? दिस इज कॉल्ड एस ए एस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। बच्चे सोच रहे होंगे मैंने तो लिखा ऐसे साइड साइड एंगल लिखा, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड एंगल साइड। तो यहां पे मैं कैसे लिख रहा हूं, हमें जो गिवन है या हमें जो पता है या हमने निकाला किस तरीके से या किसी भी तरीके से लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता। भी हम लिख कैसे रहे हैं, पहले दो साइड लिख दी बाद में एंगल लिख दिया, वो मैटर नहीं करता। जस्ट मैटर क्या करता है, हम डायग्राम में उसको कैसे लिया? ये जो क्राइटेरिया का है ना रूल दैट बिलोंग्स टू द डायग्राम, हमेशा डायग्राम को ध्यान से देखना है। ये देखो इसकी ये साइड के बराबर हो गई, ग्रीन के साथ मैंने मार्क किया। इसकी ये वाली साइड के बराबर हो गई, हो गया। और इनके बीच वाला एंगल, तो डायग्राम पे देखना है कि क्या दो साइड्स के बीच में एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के बीच में एक एंगल के बराबर है। तो यहां पे देखना है आपका रूल जो कंप्लीट हो रहा है, साइड एंगल साइड। मेरा रूल जो मैं लगा रहा हूं वो डायग्राम पे बिल्कुल सही लग रहा है, लिख कैसे रहा हूं मैं डजंट मैटर। चाहे मैं एंगल से पहले लिख के बाद में दोनों साइड लिख देता, चाहे मैं एक एक साइड बीच में एक एंगल फिर एक साइड लिख देता, कोई मैटर नहीं करता। हम लिख कैसे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, मैटर क्या करता है डायग्राम में जो चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो कैसे बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली रूल हमारा लगता है। हमेशा रूल लगाते वक्त क्या देखना है, डायग्राम देखना है। किसी एक ट्रायंगल को देख लो, इस ट्रायंगल को देख लो, इसकी वो कौन सी साइड के साथ आप कर रहे हो वो बाद में बात करेंगे, पहले एक ही ट्रायंगल को देख लेना है, साइड एंगल साइड। यहाँ पे अगर आप उल्टा भी देखोगे साइड एंगल साइड, तो ये रूल जो है एस ए एस ऐसे ही चलेगा, ऐसे हम नहीं यूज कर सकते इसको, साइड साइड एंगल वाला रूल नहीं होता, एंगल साइड साइड वाला रूल भी नहीं होता। तो इसका मतलब रूल का मतलब क्या है कि दो साइड्स के बीच में ही होना चाहिए एंगल, पहले दो साइड्स बाद में एंगल वाला रूल नहीं है, पहले एक एंगल बाद में दो साइड्स वाला रूल भी नहीं है। मतलब क्या कि ये टू दिए हमें, ये फोर दिए हो और ये वाली सपोज करो फाइव हो, तो ये दोनों साइड्स एक और ट्रायंगल बनाते हैं,
ये 2 है, ये 4 है, और ये हमारा 5 नहीं बना, ये बन गया, चलो मान लेते हैं 3। ओके 2 4, साइड साइड, और ये वाला एंगल हमें दिया होता अगर इक्वल उसके दूसरे के, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, और ये एंगल हमारा क्यू के बराबर दिया होता, तो ये दोनों ट्रायंगल दिखने में ही सेम नहीं लग रहे, तो तभी तो ये रूल नहीं बना। तो जो रूल नहीं बनाएंगे ना, दैट मीन्स वो कभी यूज हो ही नहीं सकते थे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में, सेम टू सेम प्रूव करने में कभी नहीं यूज हो सकते थे। तो जो रूल बनाएंगे है ना, वही रूल एग्जैक्ट में दो ट्रायंगल्स को बिल्कुल सेम टू सेम प्रूव कर सकते हैं। इसमें देखिए हमने यूज की 3 2 साइड और एक एंगल, तो बचा क्या है इसमें, तीसरी साइड, हम तीसरी साइड के इक्वल लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं, जो हमें वहां पे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली। अगर ये पूछा गया तो ये लिख दो, ये पूछा गया है ए इज इक्वल टू पी, तो ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं आप, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर पूछा है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये सारी चीजें क्या है बाय सीपीसीटी आप लिख सकते हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप लिख सकते हो ये चीजें। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बता पाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इसको समझिए अच्छी तरह से। ओके तो ये सारी चीजें बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी तरह से आगे हमारे पास है थ्योरम 7.1, थोड़ी सी चेंजेस यहीं पे हो रही हैं, तो वो भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज होगा। ये वाली अगर आप स्क्रीन पॉज करके नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मोस्टली मुझे लग रहा है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही प्रॉपर हो पाएगी, एक आध एग्जांपल हो पाएगी, तो कोई बात नहीं, चीज समझ में आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमने कितना किया या कितना नहीं किया, वो डिपेंड नहीं करता, थोड़ा सा और रब करना था, सॉरी। अब रूल नेक्स्ट आता है हमारा एक्सियम, नहीं उसको हम थ्योरम बोलते हैं, दैट इज द थ्योरम 7.1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यार थ्योरम लिखना है, हमने एक्सियम लिखना है, आपने ये लिखना है जहां पे भी लिखना है ऐसे एस, यहाँ आगे जो हम रूल करने वाले हैं वो है ए एस ए, साफ पता चल रहा है एंगल साइड एंगल, साफ पता चल रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, यहां पे एंगल्स आ जाएगा, एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle, ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल रूल साफ पता चल रहा है, दो एंगल्स इक्वल होंगे, देखो ये 60 दिया हमें, सपोज करो ये 50 दिया है या 40 दिया है, चलो ए बी सी ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल हमारे पास मैंने ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे उल्टा क्यों बनाया है, ताकि आपको आगे जो हम सम्स करेंगे ना उसमें भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ट्रायंगल बने होंगे, आपको ऐसे ही उल्ट उलट पुलट करके देखना होगा उसको, तो इसलिए मैंने इसको बनाया ही ऐसे है इसको समझाने के लिए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो सेम टू सेम कब होंगे, जब उनकी टू एंगल्स, दो एंगल्स, ये दोनों एंगल्स ये बनाते हैं, ये देखो ये एंगल हो गया एक, और एक ये वाला एंगल है, देख रहे हैं आप रेड और ग्रीन एक दूसरे को ओवरलैप कहां पे कर रही है, यहां पे, तो इंक्लूडेड साइड ये हुई दो एंगल्स के बीच वाली साइड, ठीक है, तो जहां पे रेड और ग्रीन पूरी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यहां पे तो अलग अलग है ना, रेड अलग है ग्रीन अलग है, ये नहीं, ये दोनों एंगल्स हो गए, इनके बीच में जो दोनों एंगल्स की कॉमन रे हम कह सकते हैं वो होती है इंक्लूडेड साइड, तो ये होगी इंक्लूडेड साइड।
तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री वाले एंगल को रेडी के साथ बनाया है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री वाले एंगल को रेडी के साथ बनाएंगे। इंक्लूडेड साइड तो आपको अपने आप नजर आ जाएगी जब अगर आप एंगल से ही बना लोगे। स्टार्टिंग में आपको इसे डिफरेंट कलर के साथ बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये दोनों साइड्स जो हैं यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं दोनों कलर्स, तो दैट मीन इंक्लूडेड साइड ये वाली है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल पता चल रहा है 60 है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है, और क्या जो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है। थर्ड साइड बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है। फिर मैंने बता रहा हूं मैटर नहीं करता कि हम लिख कैसे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल एंगल और साइड लिख रहे हैं, बट डायग्राम में देखना है क्या कौन सा रूल बन रहा है। एंगल कॉमन साइड एंड अगेन एंगल, दो एंगल्स के बीच वाली साइड, ए एस ए रूल बन रहा है। सो हम कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे हुआ ये कॉन्ग्रेंट, बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल। ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल के कारण हमने तीनों पहले लिखना ये, फिर हमने ये लिखना है। हमने बताना है कि हमने कैसे कॉन्ग्रेंट लिख दिया इस रूल के अकॉर्डिंगली। रूल बताना बहुत जरूरी होता है, रूल बता दिया। अगर उन्होंने उसके बाद कुछ भी पूछा हो जो बाकी चीजें बची हैं, ए बी, ठीक है, ए बी किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखिए ए बी किसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड और ग्रीन ओवरलैप कर रही है, ये इसके इसमें हम इसके इक्वल नहीं लिख सकते, रेड रेड के इक्वल लिखनी है, रेड रेड के इक्वल, पी आर के इक्वल, ए सी इक्वल टू ए सॉरी ए बी इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं। ग्रीन ग्रीन के इक्वल, ए सी इक्वल टू पी क्यू, और तीसरा एक एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं, ये वाला एंगल रेड और ग्रीन, और रेड और ग्रीन वाला एंगल ये है ए और पी। ठीक है, कोई भी हमें तीनों में से कुछ भी पूछा हो लिख सकते हैं बाय सी बी सी। तो ये दोनों रूल्स जो हैं हमने यूज करने हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने एक्चुअल में लिखना कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना है सम को। ठीक है, तो ये फिलहाल आप नोट कर लीजिए, हम करेंगे अब एक एग्जांपल। तो ये है हमारी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। आज हम यही एग्जांपल कर पाएंगे, हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी चली गई है, इंट्रोडक्शन जो है ब्रीफ होनी बहुत जरूरी है, इसलिए वो तो थोड़ी लंबी चलेगी। तो जब इंट्रोडक्शन समझ आ गई सब कुछ समझ आ जाएगा। तो लेट अस डू द एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ही करेंगे, बाकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन द फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए ओ बी के बराबर है। ये जो लाइन डाली हुई ना सिंगल सिंगल, इसका मतलब यही है ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे डबल डबल डैश डाली हुई है तो इसका मतलब ये है ये साइड इसके इक्वल है। अगर ना भी दिया हो ना इक्वल गिवन, तो ऐसे सिंगल डैश का मतलब ये दोनों इक्वल है, डबल डैश का मतलब ये दोनों इक्वल है, ट्रिपल डैश कहीं डाली हो तो उसका मतलब ये होता है वो दोनों जहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल डैश डाली हुई वो दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों हमें इक्वल दी हुई है, हमने प्रूव करना है एओडी ट्राइंगल बीओसी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैंने बताया था ट्रायंगल कैसे भी हो सकते हैं, बिंगेटेड जैसे मर्जी हो सकते हैं, तो हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमें, तो गिवन में ऑलरेडी वैसे तो आपको पता ही है क्या लिखना होता है। गिवन में हमने ये लिखना सारा जो मैं रेड से कर रहा हूँ। ठीक है, और टू प्रूव जो यहाँ पे लिखा ना मैंने शो दैट, यहाँ पे लिखना हमने टू प्रूव के आगे ये सारा लिख देना, ये हमने प्रूव करना, तो ये वाला हम नहीं लिखने वाले, हम करेंगे सीधा सॉल्यूशन। देखिए पहले तो जब भी आपने करना है, हमारे पास ओनली दो रूल्स हैं, कौन कौन से, एस ए एस यूज कर सकते हैं यहां फिर हम कर सकते हैं ए एस ए। तो पहले देखना है हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है इसके, तो दो साइड इक्वल गिवन है हमें, ये तो क्लियर है, तो हम यही वाला रूल यूज कर सकते हैं, हमें ये क्लियर हो गया। आगे भी कुछ रूल्स होंगे पेपर में आप करेंगे ना, तो आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा रूल्स होंगे चेक करने के लिए कि कौन सा रूल यूज कर सकते हैं। हमने अभी सिर्फ दो ही किए हैं तो उसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे। हम ये वाला रूल यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स वी नीड एन एंगल बिटवीन देम। तो देखिए आप हमें क्या दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है और ये साइड
इसके इक्वल। तो दो साइड जो इक्वल दी हुई है, इंक्लूडेड एंगल कौन सा हमने, दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल कौन सा हुआ, ये ब्लैक से बनाते हैं, ये हुआ इंक्लूडेड एंगल, ये इक्वल होना चाहिए इस एंगल की, इन दोनों की इंक्लूडेड एंगल ये हुआ ना, तो ये इक्वल लिख सकते हैं क्या हम, पहले चेक करना है वेदर वी कैन राइट और नॉट। यस, ये दोनों लाइन बिल्कुल क्रॉस करी एक दूसरे को, ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो हमने ये ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में किया हुआ है। तो हम इसको डायरेक्टली, अगर कुछ चीजें हमें पहले प्रूव करने की जरूरत हो बाद में हम ट्रायंगल्स के बीच में जाना होता है, किसी अलग मेथड से पहले प्रूव करनी होती है अगर कुछ चीजें, तो पहले प्रूव करके बाद में हम ट्रायंगल के अंदर जाके फिर उसको यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्टली उसको ट्रायंगल के अंदर लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि ये चीज इसके इक्वल है, ये कारण है उसका, तो उसको पहले प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अब मैंने देखा कि मुझे दो साइड और एक एंगल चाहिए था, तो ऑलरेडी वो है, तो देखिए आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल हमारे, AOD एंड ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल ही बोले ना उन्होंने कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, तो ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे। AOD ट्राइंगल में AO साइड और BOC ट्राइंगल की BO साइड इक्वल दी हुई है, सो OA इज इक्वल टू OB, और ये भी दिया हुआ है OC और OD। पहले हमने OA किसकी साइड लिखी, इस ट्राइंगल की, तो अगले वाले में भी पहले इसकी साइड लिखेंगे, OD इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल की OC साइड, दोनों चीजें गिवन है तो इनका कॉमन मैं रीजन लिख सकता हूं गिवन। तीसरी चीज जो है, एंगल AOD BOC के इक्वल है, इसका रीजन अलग था तो इसको अलग लिखा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो यहां पे नहीं देखना SSA रूल बन रहा है, यहां नहीं देखना, कहां देखना है डायग्राम पे, साइड एंगल साइड रूल बन रहा है, सो बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल, SAS कॉन्ग्रेंस रूल से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। फर्स्ट चीज तो हो गई प्रूव, अब उन्होंने कहा AD पैरेलल टू BC भी प्रूव करना है, ठीक है, तो पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो देखिए आप, अब इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से बच गए वो हम लिख सकते हैं इक्वल, चाहे तो हम रेड वाले के साथ वाला ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, चाहे हम ग्रीन के साथ वाला ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, कुछ भी AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं, बट हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा उस वो देखना है, हमने वही इक्वल लिखना है, क्या A को B के इक्वल लिख के हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B लिखते हैं बाय सिंपलिसिटी, अगर हम और एंगल A और B तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हुए ना, सिर्फ ये देखो ऐसे Z नहीं बन रहा, ये Z का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, लाइन एंड एंगल भी हमने किया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एंगल A एंड B आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम, ऑल्टरनेट एंगल्स की एक्सियम का कन्वर्स मतलब कि अगर एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है देन द लाइंस आर पैरेलल, AD पैरेलल टू BC, हो गया प्रूव, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, तो जो दोनों चीजें हमें पूछी गई थी हमने कर दी प्रूव, सो हेंस एंड में लिख देंगे, हेंस प्रूव, मेरा बुरा नहीं देखा गया, आपने बुरा लिख देना, ये था ऐसे हमने सॉल्व करने हैं सम्स, थोड़े बड़े भी होंगे थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, वैसे तो डिफिकल्टी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डिफिकल्ट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, तो जब तक मैं हूँ आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैथ्स का कोई भी समागर नहीं हो पा रहा है, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन दैट, यू कैन फॉलो माई पेज ऑल्सो, आई एम पोस्टिंग द लेटेस्ट वीडियोज देयर, सो कीप फॉलोइंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज as much as possible so that I can reach maximum subscribers. Thank you very much to all the viewers for watching my video. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.